बिहार के चौथे कृषि रोड मैप को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज किसानों के साथ संवाद किए। पटना के बापू सभागार में इसके लिए 4700 किसानों को आमंत्रित किया गया था। किसानों से मिले इस सुझाव को कृषि रोड मैप में भी जगह दी जाएगी। 3 कृषि रोड मैप लागू करने से पहले किसानों का सुझाव मुख्यमंत्री पहले भी लेते रहे हैं, इसलिए किसानों से मुख्यमंत्री का संवाद बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चौथे किसान समागम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव के गैर मौजूदगी में ही कार्यक्रम को शुरू किया गया। मंच पर तेजस्वी यादव की कुर्सी खाली दिखी। वहीं कृषि महाविद्यालय पशु महाविद्यालय के कुलपतियों को मंच पर जगह न मिलने पर नीतीश कुमार भड़क गए और अधिकारियों को फटकार लगाकर तुरंत सामने से मंच पर बैठाने का निर्देश भी दिया। बताते चलें कि अभी तक 3 कृषि रोड मैप में जो उपलब्धियां हुई है उसके बारे में भी चर्चाएं की गई। इस कृषि रोड मैप में 12 विभागों को जोड़ा गया है। इन विभागों की उपलब्धियों को भी आज बापू सभागार में प्रदर्शित किया गया। इन विभागों में कृषि और पशुपालन विभाग के साथ खाद्य आपूर्ति, राजस्व एवं भूमि सुधार, ग्रामीण कार्य, ऊर्जा और पर्यावरण, साथ ही वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सहकारिता उद्योग, गन्ना उद्योग, साथ ही जल संसाधन, लघु जल संसाधन शामिल है। पिछले कुछ महीनों से पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह कृषि रोड मैप पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा कि किसानों के हित में यह कृषि रोड मैप नहीं है बल्कि कागजों पर ही है। बता दें कि कृषि रोड मैप पर 4 को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाना है। आज बापू सभागार पटना में आयोजित किसान समागम कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सब उद्घाटनकर्ता राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी यहाँ पर उपस्थित, माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य एवं संसदीय कार्य श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा योजना एवं विकास श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।